वो जिसमें संचालन कर रहे माथुर साहब की स्टेशन शाखा के पदाधिकारी, धन्यवाद इस सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित एनसीआरईएस के महामंत्री आदरणीय श्री आरपी सिंह जी, इस सभा के मुख्य आकर्षक स्टेशन शाखा के शाखा अध्यक्ष हम सबके आदरणीय श्री कृपाकर मिश्रा जी, इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मंडल मंत्री जी, हमारे पूर्व केंद्रीय पदाधिकारी आदरणीय श्री आरती शर्मा जी और हमारे इस सभा में उपस्थित मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी शाखा से आए हुए शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री आए हुए सम्मानित पदाधिकारी का बहादुर साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं एनसीआरईएस हमेशा सम्मान देना जानती है, सम्मान करना जानती है और निश्चित ही कृपाकर मिश्रा जी का जितना भी हम सब सम्मान करें वो कम होगा, क्योंकि जिस पद पर ये रहे संगठन के स्तर पर और जिस पद पर रहे रेलवे में कर्मचारी के स्तर पर, दोनों जगह कभी कॉम्प्रोमाइज करने का काम नहीं किया इन्होंने, पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ इन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। साथियों अभी आपको जितने भी वक्ता आए हैं सबने उनके पराक्रम की गाथा बताई है कि निश्चित रूप से 4 महीने नौकरी के बचे हुए कर्मचारी के रूप में और वो एक शेर की तरह प्रशासन के सामने डट के खड़ा हो जाए, आंख में आंख डाल दे कि हमारे कर्मचारी को अगर बाल भी बांका होगा तो उससे मैं पीछे हटने का काम नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए जितनी भी इनकी सराहना की जाए निश्चित रूप से वो कम होगी। साथियों सेवा जो व्यक्ति रेल में होती है, हम लोग ने जहां तक सीखा है इस संगठन के नेतृत्व से महामंत्री जी से मंडल अध्यक्ष जी से मंडल मंत्री से कि संगठन कभी हमारा सेवा निवृत्ति नहीं करता है, सम्मान देता है और हमेशा आपको जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ जो हम कहेंगे सेवानिवृत्ति से वो है नहीं, हम सम्मान कर रहे हैं इकट्ठा होगा कि जिस तरह की इनकी कार्यशैली रही है, जिस तरह का इनका व्यवहार रहा है, निश्चित रूप से इनका मार्गदर्शन में आगे हम सब कहीं ना कहीं भाव उभर होते हैं, हम युवाओं को प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि कर्मठता किसी भी रूप में अगर आवश्यकता पड़े तो पूरी कर्मठता के आप साथ खड़े होइए और अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं नेतृत्व का तो पूरी ईमानदारी से नेतृत्व करिए। कई लोगों ने इनके डगमगाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, नहीं ये ऐसे नहीं करिए ये वैसे नहीं, इन्होंने एक सूत्र में कहा कि नहीं जिस जगह मैं खड़ा हूँ मेरा जो दायित्व उसको निभाने का काम करूंगा, शाखा अध्यक्ष के रूप में शाखा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आज अगर मेरे ब्रांच को मेरी जरूरत है मैं पूरी ताकत से खड़ा हूँ, बहुत बड़ी चीज है। हम कर्मचारी के रूप में अगर देखा जाए वरना तमाम ऐसे स्वार्थी लोग मिलेंगे कि नहीं अगले को कुछ थोड़ा हो जाता तो मेरी बची रहने, लेकिन वो व्यवहार कभी भी इनका नहीं रहा। हम लोग को उस दिशा में एक सीखने की सीख मिलती है और इनसे हमेशा ये हमारा निवेदन जाएगा इंजीनियरिंग शाखा की तरफ से, क्योंकि इंजीनियरिंग शाखा से इनका से जुड़ाव भी रहा है कि जब भी इनको अगर हमारे जवाब हो या हम लोग को जवाब होगी इनको इंजीनियरिंग शाखा में इसी तरह निरंतर आते रहे, संगठन में सबके साथ मिलते रहे, इसी के साथ में अपनी बात को ग्रहण लेता हूँ, धन्यवाद।